ये कहा जाए कि मुकाबला जो है ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने पुराने सिपाही को जो है मैदान में उतारा है और उनको टिकट दिया है। भज्जी जी मैदान में है। भज्जी जी, ये कहा जाए कि मुकाबला क्या अपनों से है या फिर विपक्ष से है? देखिए, जहाँ तक मुकाबले की बात है, वो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी में फाइट रही है हमेशा जी। थोड़ा सीपीएम का होता था पहले जी। सीपीएम इस बार बहुत नीचे है क्योंकि पिछली बार कॉरपोरेशन उनके पास था तो किया ही कुछ नहीं। जहाँ तक हमारे इंडिपेंडेंट साथी की बात है, वो तो यूँ समझिए कि वो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों खड़े हो गए जी। पर ये तो आप थे तो कांग्रेस में ही, आपके साथ ही थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि टिकट ना मिलने से नाराज़ हो गए? अभी जैसा आपने बोला कि टिकट पुराने सिपाही को मिला है, तो मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, दूसरे भी अपने आप को सिपाही माने तब है ना। कुछ मिले तो हम कांग्रेस के साथ हैं, नहीं मिले तो कांग्रेस से बाहर हैं, दिस इज रॉन्ग जी। वो कांग्रेस को कभी उन्होंने अपना समझा ही नहीं जी। तीसरी बार एक्सपेल्ड हुए आज जी। तो अब जहाँ तक सवाल फाइट का है, दरअसल में शिमला का जो शहर है ये बड़ा अजीब सा शहर है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा शहर है, जन सुविधाएँ समय के साथ साथ बढ़ती रही हैं। जहाँ जन सुविधाओं की कमी रही, मैंने पहले भी, मुझे दो बार मौका मिला जी। मैंने एक कोशिश की, रोप वे बनाए, टनल्स बनाए, सड़कें बनाए, डबल लेन बनाए, बाईपास बनाए। तो लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो है पीने का स्वच्छ पानी। और मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी होती है कि दो मरतबा मैं जब भी विधायक रहा, दोनों बार ऑगमेंटेशन वाटर सप्लाई स्कीम की मेरे टाइम में हुई, मेरी सरकार ने की, और अभी हमारी सरकार बनती है और मुझे लोग भेजते हैं, तो मैंने एक बहुत बड़ा सपना देखा है जिसमें सबसे पहले मैं जो हमारा पानी की बड़ी स्कीम में लाना चाहता हूँ, जिससे अगली सदी की प्यास इस शिमला शहर की बुझ सके जी। बहुत अच्छा पानी देने की कोशिश करेंगे हम, जन सुविधाएं जुटाने की कोशिश करेंगे हम। 10 साल पहले जब मैं विधायक बना, मैंने प्रूफ बनाया, मैंने 3 टनल्स अप्रूव करा के रखी थी, उसको अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन पिछले 5 साल जो है भज्जी जी, आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पानी की समस्या और ख़ास तौर पर पानी में दिक्कत जी को लेकर शिमला वासियों ने काफ़ी झेला जी। बीमारी भी हुई, पीलिया की बीमारी भी हुई जी, जी। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, जिम्मेवारी की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले 5 साल जो इस कैपिटल में जब CPI की वो कॉरपोरेशन बनी, CPM की कॉरपोरेशन बनी, तो वो पता नहीं, मैं नहीं सोचता कि उन्होंने कभी गवर्नमेंट से ढंग से बात की। उनका लाल झंडा अपना ही चलता है, वो हर समय उसी में मस्त रहे, कोई काम नहीं किया उन्होंने। शहर के लोग इतने नाराज़ हैं, नालियाँ नहीं, सड़कें नहीं, पानी नहीं, सफाई नहीं, तो जो हमने पीछे किया था वो सारा ख़त्म कर दिया जी। अब हम नए सिरे से इस शहर को और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि लोग जो हैं हिमाचल के लोग आज जिस तरह से अपना सोचे बैठे हैं और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, निश्चित तौर पर शिमला के लोग मुझे अपना समर्थन देंगे और विधानसभा भेजेंगे जी। राजधानी शिमला को समर कैपिटल रही है, भारत की समर कैपिटल रही है और क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, क्या वाकई में अभी भी क्वीन ऑफ हिल्स हैं शिमला? नहीं, मैंने कहा ना जी, पिछले काफ़ी अरसा में इसका स्वरूप जो है बिगड़ा है और मेरी एक बड़ी मंशा, मैं बड़ी स्पष्ट सी बात बोलता हूँ कि मेरी एक मंशा है, अगर लोग मौका देते हैं तो इस वक्त ये सही टाइम है, जो पीछे गिरावट आई है, जो गौरव हमने खोया है, उसको हम पुनर्स्थापित करेंगे जी। एक बड़ी बात जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आज रिलीज हुआ, घोषणा पत्र, उसमें कहा गया कि करप्शन फ्री सरकार, लेकिन विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि पिछले 5 साल मुख्यमंत्री वीरभद्र वो खुद ही बेल पर रहे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बेल पर सरकार रही। नहीं, देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार आरोप की बात है, आरोप तो सभी नेताओं में हर पार्टी में लगते रहे हैं जी। लेकिन जब मैटर, आप देखिए, मैटर जब आप कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, जब अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं हुआ, अभी तक तो लोगों को बढ़ा चढ़ा के बीजेपी वाले जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ भी और दूसरे लीडरों के खिलाफ भी, ये तो मॉरल डाउन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जब से मोदी जी की सरकार आई, ये कांग्रेस के लीडरों को ऐसे सोच रहे हैं कि सब करप्ट हैं और ये दूध से नहाए हुए हैं। करप्शन का पता तब लगेगा जब मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी, तब बड़ी बड़ी करप्शन के मामले निकलेंगे। अब गिरावट तो आ ही रही है, मोदी जी तो वायदों का एक पहाड़ बनाते चले जा रहे हैं, कोई वायदा पूरा नहीं करते, अपने मजे में है। अभी आप अमित शाह के बेटे का केस ही देख लीजिए, आप ऐसे कई केसेस हैं अभी तो बहुत कुछ खुलेगा। अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा वापस आती है तो शिमला के लिए 3 बड़े ऐसे काम जो क्वीन ऑफ हिल्स का जो दर्जा शिमला को दिया जाता है, फिर से
पहाड़ों की रानी जो है शिमला कहलाए बन सके सही मायने में। देखिए सबसे पहली प्राथमिकता तो हमेशा पानी की रहेगी, दूसरी आवागमन जो कंजेशन हो गई है शहर में डी कंजेशन करेंगे, और साथ में हम तीन ऐसे मैंने प्रोजेक्ट लाए हैं जिसमें हमारे बच्चे बुजुर्ग महिलाएं, मैं तीन पार्क्स बनाना चाहता हूं, जंगल पार्क, जंगल जिसमें जंगल में घूमेंगे, और ब्रीदिंग पार्क्स का नाम मैं उनको दे रहा हूं, ये मेरी मंशा है। तो दूसरा, पर्यटकों को दिक्कत होती है जब ये कहा जाए कि सीज़न, जब सीज़न होता है उस टाइम में पर्यटक जब बाहर से आते हैं तो शिमला में गंदगी को, गंदगी की बात की जाए, पार्किंग की बात की जाए, 50 साल ये कहा जाए कि पीछे शिमला है, 100 साल आगे जाए इसके लिए क्या करें? नहीं, वही मैंने कहा ना जी, सबसे बड़ी बात है समस्या है रोड वाइडनिंग की। हम सर्कल रोड को डबल लेन करें, नीचे का जो बाईपास, जो टूटीकंडी बाईपास है, इसको भी सर्कुलर करें, और पार्किंग को हम हर जगह वार्डों में भी और बड़े पार्किंग भी ऐसे ढंग से पार्किंग बनाएं जिससे आम आदमी को नुकसान भी नहीं हो और पर्यटक भी खुश रहे। और थोड़ा सा हम जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो पानी की है, सड़कों की है, सफाई की है। आज सफाई का भी कोई अच्छा हाल नहीं है, जब से हमारी ये कॉरपोरेशन में अब बीजेपी भी आई है तो CPM के बाद बल्कि और गिरावट आ रही है। तो सफाई, जो सफाई हिल क्वीन ऑफ हिल्स का मतलब यही था कि साफ सुथरा शहर। मैंने तो वो दिन भी देखे हैं जब मशकों से दफादार हमारे सड़कों को वॉश करते थे, सफाई करते थे। तो हम ये सोचते कि शहर को सफाई करेंगे तो अपने आप सुंदर बनेगा। बजी जी, आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल नेता विपक्ष, उनको चेहरा बनाया है अपना, और आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे कि चेहरा कौन होगा, अब साफ है जी। तो लड़ाई वीरभद्र बनाम प्रेम कुमार धूमल जी। देखिए बात यह है, मैं ये नहीं सोचता कि लड़ाई इन दोनों की है, असल में लड़ाई तो सोच की है, और कांग्रेस की सोच ऐसी है जो प्रदेश में तरक्की और विकास की जहाँ तक बात है, हमेशा चाहे डॉक्टर परमार से लेकर उसके बाद आज वीरभद्र सिंह तक, हमारे जो तीन मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर परमार ने नींव रखी इस प्रदेश की। कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो लोगों के हक अधिकार सब कुछ दे सकती है जी। तो इसलिए लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। मजीद जी, आपको विश यू ऑल द बेस्ट, जी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार शिमला से, जिनका ये मानना है कि उनका उनकी पूरी प्राथमिकता जो है, जो शिमला में काम अधूरे रह गए उनको पूरा करनी होगी, करना होगा, विकास के काम, पानी का मुद्दा जो शिमला निवासियों ने, जो पानी को लेकर जो दिक्कत है उसको दूर करना होगा। हम हिमाचल की बात में लगातार आपके सामने जो मुद्दे ग्राउंड जीरो पर है, लोगों की समस्याएं, लोगों की दिक्कतें आपके सामने रख रहे हैं, ताकि जो 9 नवंबर को जो हिमाचल का दंगल है उसमें फैसला करने में आपको आसानी हो। नेताओं की बात, आपकी बात, जनता की बात आपके सामने हम ला रहे हैं पूरे हिमाचल से, ताकि 9 नवंबर को हिमाचल के दंगल में आपको फैसला करने में दिक्कत ना हो। कैमरामैन जयवीर रावत के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया शिमला।